In this video, we will study about the hemophilia, that is the sex-linked disorder. So, when we start, hemophilia. This hemophilia is sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive disorder. When we talk about the sex-linked disorder, then it is X-linked disease. X-linked means इसके जो recessive genes हैं और वो recessive gene हम H से show करते हैं. This is the H recessive gene which is located on the X chromosome. So this disease can occur in the male as well as in female. We will discuss about it in later in this video. So first of all, this hemophilia is what type of disease? It is blood related disorder. और इस disorder को हम एक नाम देते हैं bleeders disease. इस डिजीज को ऐसा नाम क्यों दिया गया? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जिस भी पर्सन को ये हीमोफीलिया नाम की डिजीज है, उसकी बॉडी में अगर बॉडी पर कोई माइनर कट भी लग जाए, तो उस माइनर कट से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है. तो इट मींस इट ब्लीड्स इन दिस डिजीज ब्लीड इवन ऑन ए माइनर कट excessively. Okay? तो हम इसे क्या कह सकते हैं? लीथल डिजीज है और यू कैन से द फेटल डिजीज है, जिसमें एक्स लिंक इनहेरिटेंस शो करता है और एक्स पर अगर रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये किस तरीके से ह्यूमन को या किसी भी पर्सन को अफेक्ट करेगा. अब यहाँ पर इस डिजीज को एक और नाम देते हैं, विच इज नेम्ड एज रॉयल डिजीज. और इस डिजीज को रॉयल डिजीज नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये डिजीज सबसे पहले यूरोप की इस डिजीज को सबसे पहले यूरोप में क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले इसे नोटिस किया गया. क्वीन विक्टोरिया एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, तो इसलिए इस डिजीज का नाम भी रॉयल डिजीज रख दिया गया. अब बात आती है कि क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज से सफर कर रही थी या उसके पास कुछ अदर कैरेक्टर्स थे. तो क्वीन विक्टोरिया यहाँ पर इस डिजीज के लिए कैरियर मींस जो खुद उस डिजीज से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन फीमेल जो है वो ज्यादातर क्या करती हैं, किसी भी डिजीज के कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर कर देती है, लेकिन इनमें खुद में कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होता. तो क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज के लिए कैरियर थी, लेकिन जब अगर ये कैरियर है तो इट मींस इसके पास जो जीनोटाइप होगा वो एक्स एच और एक्स होगा. मींस वन एक्स इज नॉर्मल विच बिहेव्स लाइक द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वन एक्स हैविंग द एच रिसेसिव जीन. इस डिजीज में जब रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? क्लोटिंग फैक्टर नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी. जैसे हमने बात की कि जब बॉडी पर कोई भी माइनर कट लगेगा तो हम देखते हैं कि 3 to 5 मिनट्स के अंदर उस वुंड पर धीरे धीरे क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है. लेकिन जिन पर्सन्स को ये डिजीज है उसमें क्या होगा कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे. हम जानते हैं कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर और उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हमेशा जीन्स के कंट्रोल में होती है. तो यहाँ पर जो जीन जो प्रोटीन बनाना था जिसे, वो जीन अब यहाँ रिसेसिव सिचुएशन में है, इसलिए इस रिसेसिव कंडीशन के प्रेजेंट होने पर बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा और क्लोटिंग नहीं होगी. और यहाँ जो मेन क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 एंड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9, ये दो क्लोटिंग फैक्टर्स बनना बंद हो जाते हैं. लेकिन यहाँ देखिए एक्स और एक्स एच,
अगर ये एच जीन यहाँ इस एक्स पर भी प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये फीमेल जो होगी ये डिजीज्ड हो जाएगी। अगर यहाँ फीमेल में जैसे दो एक्स प्रेजेंट है, एक एक्स पर हमने यहाँ एच जीन को प्लेस कर दिया, लेकिन जो दूसरा एक्स है वो नॉर्मल है, इट मीन्स ये डोमिनेंट सिचुएशन में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जीन, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये कोई भी क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा नॉर्मल एक्स है इट विल प्रोड्यूस द क्लोटिंग फैक्टर। तो इस तरीके की कंडीशन में जब फीमेल्स कैरियर होती है तो उन्हें ये हीमोफीलिया की डिजीज नहीं होगी। लेकिन जब हम क्वीन विक्टोरिया की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम ये पढ़कर चले हैं यहाँ से कि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है। इट मीन्स क्वीन विक्टोरिया को भी ये डिसऑर्डर अपनी किसी एंसेस्ट्रल प्रोजेनी से मिला होगा, बट स्टडी के बाद ये पाया गया कि क्वीन विक्टोरिया के फादर में कोई भी ऐसा सिम्टम, ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, ना ही उसकी मदर में। हम ये कहें कुल मिलाकर कि उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में हीमोफीलिया का कोई भी केस नहीं था। फिर क्या हुआ होगा, या तो ये जो कैरेक्टर है ये ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन जर्म सेल्स में प्रोड्यूस हुआ होगा, मींस इन द फादर, एज वेल एज वी कैन से दैट ड्यूरिंग द व्हेन द क्वीन विक्टोरिया टेक दैट जर्म सेल एट दैट टाइम इट बिकम नॉर्मल, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन ये चेंज हुआ होगा और उस म्यूटेशन से ये डिजीज ट्रांसफर हुई। तो अब ये जो चेंज है ये कंटिन्यू उनकी फैमिली में चला आ रहा है कि जो फैमिली में कोई भी मेल इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि मेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास एक स्पेशल जीनोटाइप देखने को मिलता है एक्स एच एंड वाई, मींस मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस एक्स क्रोमोसोम पर एक रिसेसिव जीन आ गया, तो वो जो रिसेसिव जीन है क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनने देगा। दूसरा जो वाई क्रोमोसोम है, इस वाई क्रोमोसोम पर कोई भी क्लोटिंग फैक्टर बनाने के जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए एक्स पर रिसेसिव कंडीशन आने से क्या होगा कि ये मेल जो है ये कैसा हो जाएगा, हीमोफीलिक, दिस बिकम हीमोफीलिक मेल, हीमोफीलिक मेल। और अगर हम बात करें कि कोई भी फीमेल अगर हीमोफीलिक है तो उसके लिए उसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स एच एक्स एच, मीन्स दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा, एंड इन दैट कंडीशन द फीमेल इज नोन एज हीमोफीलिक फीमेल, वी कैन से इट। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप। मेन थिंग इज दैट द क्लोटिंग फैक्टर इज एबसेंट इन दिस कंडीशन व्हेन द रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। सो दिस इज अबाउट द हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, वी कैन से इट इट इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर, हेरिडिटरी डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंट क्रोस टू शो हाउ दिस हीमोफीलिया ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्रोजेनी टू अनदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन द फीमेल इज कैरियर फॉर द हीमोफीलिया बट नॉट हैव एनी सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया, सो वी कैन से इट कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल फॉर विच कंडीशन, हीमोफीलिया, बट हर हस्बैंड इज नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। इफ बोथ ऑफ देम गेट मैरिड देन दे विल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ प्रोजेनी, इट विल प्रोड्यूस द गैमिट एंड द गैमिट वन हैविंग द रिसेसिव जीन एक्स एच एंड वन एक्स बिकम नॉर्मल, एंड दिस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म एंड ऑल दीज स्पर्म्स आर नॉर्मल। वट विल हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन इफ वी आर टेकिंग हियर द पेडिग्री टू सोल्व इट, दिस इज द पेडिग्री इन विच वी आर टेकिंग हियर द फीमेल गैमिट्स, दिस आर द फीमेल गैमिट एंड हियर वी आर टेकिंग मेल गैमिट एक्स एंड वाई। वट हैपन्स, दिस प्रोड्यूस एक्स एच एक्स, दिस बिकम एक्स एक्स, इट इज एक्स एच वाई एंड हियर एक्स वाई, दिस इज द जीनोटाइप। देन वट इज द फिनोटाइप ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स,
दिस वन XHH मीन्स इट बिकम फीमेल एंड दिस फीमेल इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया. व्हाई इट इज कैरियर? बिकॉज एक रिसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. बट दिस फीमेल बिकम नॉर्मल. वी कैन से दिस कैरियर फीमेल इज ऑल्सो नॉर्मल मीन्स नॉट शोइंग एनी सिम्टम ऑफ द हीमोफीलिया. बट दिस मेल इज हीमोफीलिक मेल. हीमोफीलिक मेल मीन्स विच हैव दिस ब्लीडर डिजीज प्रॉब्लम एंड दिस मेल इज नॉर्मल मेल. दिस इज नॉर्मल मेल. वट हैपन्स हियर वेन वी टॉक अबाउट दिस कैरियर फीमेल एंड मैरिज विद द नॉर्मल मेल? क्या हुआ? इस एक्स एच क्रोमोसोम का जो ट्रांसफर था वो किसको हो गया? इसके सन को. सन तो ये क्या शो करता है? इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा कोई भी डिजीज का जीन होता है वो मदर से उसके सन को और फादर से डॉटर को ट्रांसफर होता है. तो यहाँ हमने यही पढ़ा कि जो फीमेल थी वो कैरियर थी, डिजीज नहीं थी, नॉर्मल थी लेकिन जीन को कैरी कर रही थी और इसने इस जीन को इसको ट्रांसफर कर दिया, अपने सन को ट्रांसफर कर दिया. तो ये क्या शो करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है. वी कैन ऑल्सो टेक फर्दर मोर एग्जाम्पल. इफ वी टेक हियर एक्स एच वाई, दिस एक्स एच वाई कंडीशन इज द हीमोफिलिक मेल एंड इफ इट सॉरी मैरिड विद द नॉर्मल बट कैरियर फीमेल देन वट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट प्रोजेनी? इनकी प्रोजेनी का क्या रिजल्ट होगा? हम इससे आगे भी ट्रेस कर सकते हैं. उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि एक्स एच वाई क्रॉस्ड विद द नॉर्मल फीमेल. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. एक्स एच एक्स एच मीन्स हीमोफिलिक फीमेल मैरिड टू अ नॉर्मल मेल. देन वट विल बी द रिजल्ट ऑफ देयर प्रोजेनी? सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस.